मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे डीसीएम टेस्ट सीरीज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करूंगा मैं आपके सामने। मैं डॉक्टर मनीष डूडी, टीम सीएलसी केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल ही कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन इज, हैलोजन की बंद वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम है। बेटा जी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अपने को पता है कि जो साइज के अतिव्यापन होता है या ओवरलैपिंग होती है वो साइज के इनवर्स होती है। साइज बढ़ने पर अतिव्यापन या ओवरलैपिंग क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो अपने पास इनमें ऑर्डर क्या होना चाहिए था, इनमें अपने पास F2Cl2Br2 and I2, टॉप टू बॉटम जाते हैं। साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। परंतु बेटा जी, सेकेंड आवर्त के तत्वों पर लोन पेयर होंगे तो उनमें लोन पेयर प्रतिकर्षण उपस्थित होगा छोटे आकार के कारण। जैसे ही वो पास पास आते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है जिसके कारण बंद ऊर्जा घट जाती है। इसकी बंद ऊर्जा कितनी घट जाती है, इसकी बंद ऊर्जा इतनी घट जाती है, कहाँ आ जाता है, ये Br2 के नीचे आ जाता है। सबसे ज़्यादा अपने को किसकी मिलेगी बंद ऊर्जा, Cl2 की, फिर किसकी मिलेगी Br2 की, फिर किसकी मिलेगी F2 की, और फिर किसकी मिलेगी I2 की। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, किसका, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज़्यादा Cl2, फिर Br2, F2 एंड I2। आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ जाएगा, कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अपना सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्साइड से पूछा गया है, देखते हैं। वायु के आधिक्य में लिथियम सोडियम पोटेशियम के दहन, ये दहर नहीं है, दहन है, दहन कमीशन पर बनने वाले प्रमुख ऑक्साइड है। बेटा जी, फर्स्ट ग्रुप में अगर ऑटो आधिक्य में ले ली जाए, मैक्सिमम काफी मात्रा में ले ली जाए, एक्सिस में ले ली जाए, तो लिथियम तो सिंपल ऑक्साइड का निर्माण करता है, सोडियम किसका करता है, परऑक्साइड का करता है, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम किसका करते हैं, सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, किसका, सुपर ऑक्साइड का। तो लिथियम है जो O2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Li2O बना लेगा, जबकि सोडियम है O2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Na2O बनाएगा। फिर आधिक्य में एक्सिस में है तो क्या बना लेगा, Na2O2 का निर्माण करता है। ऐसे ही मैं पोटेशियम की बात करूँ, पोटेशियम प्लस O2 क्या बन जाएगा, K2O बनेगा, फिर O2 ले लें, K2O2 बनेगा, फिर क्या ले लें, O2 ले लें, तो KO2 का निर्माण हो जाएगा। ये कौन है बेटा, सिंपल ऑक्साइड, ये कौन है परऑक्साइड, और ये कौन है सुपर ऑक्साइड, ये कौन है सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, कौन सा जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये फिजिकल केमिस्ट्री का था अपने पास, फिजिकल केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक का आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री का है ये भी, ये सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें देखते हैं सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड, निम्नलिखित में से कौन सी इंगित गुणों के सही क्रम को प्रदर्शित करती है। फिर जी, एक डी ब्लॉक में अपन वैसे देखें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है कितने से, 0.15 से इंक्रीज होता है, 0.15 से जेड इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ साइज डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है अपने को, यहाँ साइज डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है, साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही ये आयनों की साइज थी, ये सिंपल एटम की साइज है, वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये भी एकदम सही है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव करेंगे, 4s वाले इनमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो Mn में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, कैलकुलेट करोगे तुम, क्योंकि 4s वाले चले गए तो d वाले बच्चे d5 में कितने होते हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अपने पास, 4 आएंगे, d6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, जबकि यहाँ बात करूँ आप कोबाल्ट में अपने को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, निकल में कितने मिलेंगे बेटा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी अपना एकदम राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, H3ASO4 एंड H3PO4, बेटा ऑक्साइड्स हैं ये, ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड की एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ऑक्सी एसिड की एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, H3PO4 ज़्यादा एसिडिक होगा किसकी तुलना में, H3ASO4 की तुलना में,
ज्यादा एसिडिक नेचर कौन रखेगा, H3PO4। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर अपना आ जाएगा, सही पूछे इसने, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड और थर्ड आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समान आकृति लेकिन भिन्न भिन्न संकरण रखने वाले स्पीसीज युग्म अणु युग्म है। द पेयर ऑफ स्पीसीज मॉलिक्यूल हैविंग द सेम शेप एंड डिफरेंट हाइब्रिडेशन इज, देखिए बेटा हाइब्रिडेशन काउंट करते हैं, इसमें हाइब्रिडेशन काउंट किया कौन सा आया, sp3d आया, इसमें काउंट किया कौन सा आया, sp आया। दोनों की शेप कैसी है, लीनियर है, कैसी है, लीनियर है। इसमें बात करें sp3d है, इसमें बात करें sp आ जाएगा, दोनों की शेप कैसी होगी, लीनियर आ जाएगी इन दोनों की। ये तो डायटॉमिक है, लीनियर होगी। इसमें बात करें sp2 है, संकरण कौन सा है, sp3 है, दोनों की वी शेप आ जाएगी, कैसी वी शेप आ जाएगी। तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, अपने चारों ही आंसर सही होंगे, चारों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, पाइरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। बेटा पर सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखते हैं, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एच एच एंड ओ एच। इसमें डायग्राम देखें, इट इज डायबेसिक एसिड, डायबेसिक है बेटा, ये एच प्लस ये बाहर नहीं रिमूव होगा, कौन से, ये एच प्लस रिमूव होंगे, ठीक है, और ये एच प्लस रिमूव होगा। तो पहला स्टेटमेंट अपना सही है, ये डायबेसिक द्विक्षारकीय अम्ल है, दो एच प्लस देगा। कह रहे कंटेन पी फॉस्फोरस इज प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा इसमें कैलकुलेट करें तो यहाँ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, कितनी प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी अपने को, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते कंटेन पीओपी बॉन्ड, बिल्कुल इसमें पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट है, ये स्टेटमेंट भी अपना राइट हो गया। इज रिड्यूसिंग इन नेचर, बिल्कुल ये रिड्यूसिंग नेचर की तरह बिहेव करेगा, जिनमें भी पीएच बॉन्ड उपस्थित होता है वो ऑक्सी एसिड किसकी तरह बिहेव करते हैं, वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये रिड्यूसिंग जो भी फॉस्फोरस के जो भी एसिड है, जैसे अपन बात करें H3PO3, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H3PO2, ये भी दोनों रिड्यूसिंग एजेंट ही है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं। ओके, तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा सही स्टेटमेंट सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इंटीजर है, हाँ जी, ये इनऑर्गेनिक क्वेश्चन देखते हैं। जिस बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आया, आया हुआ है ये आईटी में, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट रख दिया करो, ठीक है। अब कैल्शियम पर अपने को पता है प्लस 2 होता है, तो कैल्शियम है कितने, 2, तो 4 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 1 mg पर प्लस 2 होता है, mg की नंबर अपने को पता नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे, नंबर अपने को पता नहीं है कितने x, अपने को भी पता नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, SI कितने हो गए, 8, एक SI पर कितना होता है, 4 प्लस का 4 होता है, या 8 पर कितना होगा, 32, प्लस के 32 आ जाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन कितने हो गए, 22, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, 22 ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन पर कितने होते हैं, -2, तो 22 पर कितना होगा, माइनस का 44। OH पर बात करें, एक OH पर -1 होता है, दो OH है तो कितने हो जाएंगे, -K2, इक्वल में 0 के कर दूंगा, पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ 2x काउंट करोगे कितना आ जाएगा, 10, x काउंट करोगे कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5, तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा 5। देखते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एलिमेंट्स आर sp3 हाइब्रिडेशन, कितने एलिमेंट है जो sp3 हाइब्रिडेशन रखते हैं बेटा। इसमें बात करें, काउंट कर लीजिए, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें sp3 है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें है,
इसमें नहीं है, नहीं है, 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 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें बेटा ड्रैगो रूल के हिसाब से HPS3 में ड्रैगो रूल के हिसाब से कोई एबरेशन नहीं काउंट करते, इसमें भी नहीं काउंट करेंगे। निकल CN CN का होल 4-2, इसमें DSP2 एबरेशन आ जाएगा, कौन सा DSP2 प्लस 2 में निकल यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो DSP2 आ जाएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी कैलकुलेट नहीं करोगे, इसमें भी नहीं है, इसमें बात करें ये कैसे बना हुआ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इनमें भी काउंट नहीं करेंगे। तो अपने पास आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 की बात करेंगे, कितने 8 बात करेंगे यहाँ पर। अब कई लोग इसमें हाइब्रिडेशन काउंट कर लेते हैं परंतु ड्रैगो रूल के हिसाब से इनमें हाइब्रिडेशन नहीं है, इसमें PS3 एंड H2S में, तो आंसर लेके चलेंगे अपन कितना, 8 आंसर लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन इतने ही थे, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन पेपर ठीक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज आपकी DCM जो मेजर टेस्ट है उसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं और इसमें हम फिजिकल वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर अपन जो है वो पहला क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक का है, ये भी इनऑर्गेनिक से है। तो भैया ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है बेसिकली क्वेश्चन में जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है। पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि भैया C2H5Br और C2H5I यानी कि ब्रोमो एथेन और आयोडो एथेन फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, आपको गलत स्टेटमेंट पूछा है। भैया आइडियल सॉल्यूशन में हम बोलते हैं जो सेम नेचर के जो भी अपने पास होते हैं कंपोनेंट वो आपस में मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। सेम नेचर का मतलब जैसे एक ही कैटेगरी के हो गए, ठीक है ना, दोनों जो है वो अपने पास क्या है R, X, सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो ये जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो ठीक है। दूसरा बोल रहा है ए पील्ड एग व्हेन डिप्ड इन वाटर स्वेल्स व्हाइल इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट श्रिंक। तो भैया आपको बोला है कि छीले हुए अंडे को जल में डुबाने पर फूल जाता है, बिल्कुल, जब आप इसको जल में डुबोगे तो अंदर जो है वो सांद्रता, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, बाहर कंसंट्रेशन कम रहेगी, तो जल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो फूलेगा। और जब इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रखोगे या मान लो आपने बहुत ज्यादा इसको सॉल्टी सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जो है मामला उल्टा हो जाएगा, तो वाटर जो है वो अंडे के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो इसलिए ठीक है। फिर आपको अगली चीज बोल रही है कि भैया ऑन एडिंग NaCl into water बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है भैया, कि भैया जब NaCl को हम पानी में मिलाते हैं, आपको पता है कि जब भी किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जिसका वेपर नहीं बन सके, जब भी किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम क्या करते हैं भैया किसी भी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले जो है वो सॉल्वेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होना चाहिए था, अब 100 पर बॉइल नहीं होकर 100 से ज्यादा पर बॉइल होगा। On adding CH3OH into water, its boiling point decreases. बिल्कुल ये भी सही बात है कि भैया देखो क्या होगा कि हमारे पास CH3OH जब वाटर में मिलाऊंगा तो वाटर और CH3OH इनके बीच में जो है वो आप बोल सकते हो कि ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से आपको इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए। तो भैया जी एक तरीके से ये वाला भी अपने पास सही है। अगला बोल रहा है कि 1 मोलर NaCl इन वाटर हैव फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया हमें पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू अपने पास होता है IKF इंटू M, ये अपने पास जो डेल्टा TF होता है, तो I की वैल्यू NaCl के लिए कितनी हो गई 2 और KF जो है वाटर के लिए देर का कितना 1.86, तो ये आ जाएगा 1.86 और जो मोलरिटी आएगी वो आपको देर की ऑलरेडी कितनी है 1, तो आप देख रहे जरा कि ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.86 का क्या आएगा, डबल आएगा, जबकि इसने बोला -1.86 होगा, तो ये चीज क्या है, गलत है। तो अपने पास फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन कंसेप्ट आपके दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको ये बोल रखा है कि भैया जिंक कैन बी डिटरमाइंड वॉल्यूमेट्रिकली बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आपको जिंक की K4Fe Cl6 के साथ एक रिएक्शन दे रखी है,
कि भैया रिएक्शन जो है एक बार मैं अलग से लिख देता हूँ, आपको ऐसा दे रखा है कि जिंक प्लस टू प्लस आपको दे दिया भैया के फोर एफ ई सी एन सिक्स, और ये जो है वो अपने पास कन्वर्ट हो रहा है एक तरीके से किसमें, के टू जेड एन थ्री। ये आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन जो है ना ये बैलेंस नहीं है, एफ ई सी एन और यहाँ पर आ गया सिक्स और इसका होल ट्वाइस, और सातवें जो है वो के प्लस को इसने क्या कर दिया भैया, बाहर कर दिया। तो जेड एन प्लस टू को एक तरीके से जो है वो इसने इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया है। फिर आपको बोल रहा है सैंपल ऑफ जिंक और वेटिंग 1.5 ग्राम वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द रिएक्शन। ठीक है भैया, एक अपने पास सैंपल है जिसमें जो है वो जिंक का कोई और है और टोटल जो है वो मास है और का, टोटल मास ऑफ और ये आपको गिवन है कितना भैया 1.54 ग्राम। ठीक है, फिर आपको आगे बोल रहा है प्रिपेयर्ड फॉर द रिएक्शन, यानी देखो जरा कि उस और में कुछ अमाउंट अपने पास जिंक का है। अब रिएक्शन जो करेगा वो केवल क्या करेगा, वो Zn प्लस टू ही रिएक्शन करेगा, पूरा और तो रिएक्शन करेगा नहीं। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में जो मेन रिएक्टेंट है वो ही रिएक्ट करता है, जो इंप्योरिटीज है वो रिएक्ट नहीं करती है। तो इसमें जो पूरा और है वो रिएक्शन नहीं करेगा, केवल Zn प्लस टू, उस और में जितना Zn प्लस टू है वो ही रिएक्शन कर पाएगा। एंड रिक्वायर्ड 34.36 ml ऑफ 0.1 मोलर K4FeCN6, यानी कि हमें जो है ना इसमें इस और में 1.54 में जितना भी अपने पास जिंक है उस पूरे को एक तरीके से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए K4FeCN6 का टोटल जो है वो इतना एक तरीके से अमाउंट चाहिए। फिर आगे बोल रहा है फॉर टाइट्रेशन व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ जिंक और। देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि आपको मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, और में तो मास परसेंटेज के लिए नीचे तो आ जाएगा अपने पास क्या, टोटल मास ऑफ और, ठीक है, और इसमें से जो है वो जिंक का कितना है ना, मैं एक्चुअल मास ऑफ जिंक, ठीक है, अगर मैं ये निकाल लूंगा तो मेरे पास इनटू 100 तो एक तरीके से मास परसेंटेज आ जाएगा किसका, जिंक का। मुझे जो है वो टोटल मास और का गिवन है कितना 1.54, मुझे ये चेक करना है 1.54 में से एक तरीके से जिंक का मास कितना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है कि भैया किसी भी रिएक्शन में चाहे कैसी भी रिएक्शन आ जाए उस रिएक्शन में जितनी भी स्पीसीज होती है सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहते हैं भैया, इक्वल रहते हैं। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Zn प्लस टू इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K4FeCN6, दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दूंगा मैं, बराबर कर दूंगा। तो देखना जरा कि जब मैं ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करता हूं तो मेरे पास क्या चीज निकल के आती है। हाँ तो भैया देखो आपको इस क्वेश्चन में पहले तो यह ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन दे रखी है ना ये रिएक्शन एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूं तो भैया मैं सिंपली हीट एंड ट्रायल से इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूं, या तो आप देखो इस क्वेश्चन को ग्राम तुल्यांक बराबर करके कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है ग्राम तुल्यांक बराबर ना करके एक तरीके से इसको जो है वो मोल कंसेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर रहा हूं, तो अपने पास अब यह सी एन और ये सिक्स और ये टू और साथ में जो है वो अपने पास क्या दे रखा है के प्लस। देखो जरा इधर जो है वो जिंक कितने, एक इस तरफ तीन है तो मेरे को यहां पर इसका कोफिशियंट तीन लगाना पड़ेगा, फिर मेरे पास इधर दो आयरन है तो इधर जो है मेरे को इस पर दो लगाना पड़ेगा। जैसे दो लगाता हूं तो बाकी सब तो बैलेंस हो गया, सी एन 12 हो गया बैलेंस, और फिर जो है वो इसके बाद में जिंक जो है वो ऑलरेडी बैलेंस ही है। पोटेशियम जो है वो इधर टोटल 8 हो गया जबकि इधर 2 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर 6 लगाना पड़ेगा। ये अपने पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। बाप देखो कि इसके 2 मोल के साथ मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 मोल K4FeCN6, ठीक है, के साथ जिंक का कितना काम में आता है, 3 काम में आता है। ठीक है कि इसके 2 मोल के साथ उसका 3 मोल काम में आता है, तो अगर इसका मेरे पास 1 मोल हो जाएगा तो जिंक के कितने मोल काम में आएंगे, 3/2। ठीक है, अब मेरे पास K4FeCN6 के मोल कितने हैं, पहले मैं ये निकाल लेता हूं। तो भैया इसके मोल जो है मैं यहां से निकालूंगा, इसके मोल आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, अगर ml में लेते हो तो ऊपर क्या लगाना पड़ता है, 1000 लगाना पड़ता है, तो यहां से मोल निकालूंगा ना तो वॉल्यूम आ जाएगा 34.68 इनटू मोलैरिटी आ जाएगी 0.1 डिवाइड बाय 1000। ये लो जी, क्लियर है बात। तो मेरे पास जो वो इसके मोल निकल के आ जाएंगे कितने, ये आ गए भैया 34.68 इनटू 0.1 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, आप देखो जरा कि मेरे पास जो अगर इसके 2 मोल है, 2 मोल K4FeCN6 है, तो जिंक के कितने काम में आए, 3 काम में आए।
मेरे पास अगर एक मोल है K4FeCN6 का, तो जिंक के 3/2 का मैं, मेरे पास जो है वो K4FeCN6 के टोटल मोल इतने हैं, तो जिंक के जितने मोल काम में आएंगे ना वो कितने होंगे, इतने होंगे। मेरे पास जिंक के काम में आने वाले मोल आ गए, तो मास ऑफ जिंक आ जाएगा। यहां से क्या करूंगा भैया, मास ऑफ जिंक, तो मास ऑफ Zn+2 अगर आपको निकालना है, तो भैया मास ऑफ Zn+2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो इसके मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो मास ऑफ Zn+2 के लिए आपको जो है वो इसके मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तरीके से जिंक का जो मास है, जो मोलर मास है, वो हम एटॉमिक मास कितना लेते हैं, 65। तो अगर मैं इन मोल को 65 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास मास ऑफ जिंक जो है वो कितना आएगा भैया, जिंक का मास मेरे पास निकल के आ जाएगा 3 × 34.68 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 65 / 2 × 1000। ये लो जी, ये मेरे पास जो है किसका, जिंक का मास एक तरीके से निकल के आ गया। और जिंक का मास आ जाएगा तो भैया परसेंटेज जो है वो तो आपको पता ही है, परसेंटेज भी अपने पास निकल के आ ही जाएगी। अरे भैया क्या समस्या है, ठीक है, तो भैया देखो जरा कि परसेंटेज जो है वो कितनी आएगी अपने पास। मैं वापस से एक बार पीछे की तरफ लिख देता हूं, देखो जी, हाँ ये आ गया। तो परसेंटेज निकालनी है, तो भैया मास कितना आया था अपने पास, मास ऑफ जिंक ये मेरे पास आया था कितना भैया, 3/2 × 34.68, ठीक है, ये तो आ गया भैया n × 0.1/1000, ठीक है, × 65। जिंक का जो है वो 65 अपन को लेना है, तो परसेंटेज ऑफ Zn+2, तो ये निकालने का तरीका यहां पर तो आएगा भैया जिंक का मास जो है वो अपने पास आ गया इतना, नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 2000, और नीचे आ जाएगा टोटल सैंपल का मास कितना, 1.54 इंटू कितना कर दूंगा 100, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये अपने पास ऑलमोस्ट आएगा 21.9%, जो कि सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आपको मोल कंसेप्ट से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है द कंप्रेसिवली फैक्टर Z is equal to PV/nRT होता है, एक मोल के लिए PV/RT आप लिख सकते हो, ऑफ गैस अबाउट T is equal to A/RV। भैया ये जो है वो अपने पास होता है बॉयल्स टेम्परेचर, और बॉयल्स टेम्परेचर पर हम बोलते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस प्रेशर की एक लॉन्ग रेंज के लिए, इधर अपने पास जेड है, इधर प्रेशर है, तो प्रेशर की एक लॉन्ग रेंज के लिए आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। तो जब आप गैस के, उस गैस के लिए जो है वो जेड और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि अगर आपने किसी भी गैस का टेम्परेचर A/27 RV या A/RV के बराबर रखा है, बॉयल टेम्परेचर के बराबर रखा है, तो वो प्रेशर की एक लंबी रेंज के लिए जो है वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर जेड की वैल्यू जो है वो कितनी है, एक, यहाँ पर जेड की वैल्यू एक से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो गैस जो है वो किधर चली जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन इंडिकेट करने लग जाएगी, यानी वहां पर जेड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगी। तो ये अपने पास है भैया क्वेश्चन जो है वो गैसीय स्टेट से पूछा गया है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो भैया अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास ऑर्गेनिक का है, या आप ऑर्गेनिक वाले पार्ट में डिस्कस करोगे, फिर जो है वो अगला केस अगेन अपने पास गैसीय स्टेट से है। क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ ए वैन डर वाल गैस इज 350 केल्विन, अगेन जो है वो TB की बात कर रहा है, तो TB बराबर क्या बताया, A/RV, ये कितना देर का, 350 केल्विन देर का है। अब आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द गैस, कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही है गैस के लिए। पहला बोल रहा है कि द गैस कैन बी लिक्विफाइड, कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट 300 केल्विन। भैया लिक्विफिकेशन के लिए आपको जो प्रेशर निकालना पड़ेगा वो होता है क्रिटिकल, जो टेम्परेचर निकालना पड़ेगा वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 8/27 A/RV, ये अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अगर आप एक तरीके से TC और इसमें TB इन दोनों के बीच में रिलेशन देखोगे, तो मैं बोल सकता हूं दोनों में रिलेशन क्या आएगा, TC is equal to 8/27, और ये कितना आ जाएगा भैया TB, ठीक है। तो आप देखो जरा 8/27 × TB आपको दे रखा 350, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 103.7 केल्विन, ठीक है, ये अपने पास जो है वो TC की वैल्यू निकल के आई है। अब इसमें देखना TC जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जिससे ज्यादा टेम्परेचर अगर आप रखते हो तो गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते, चाहे प्रेशर कितना भी लगा दो। यानी अगर आप 103.7 से टेम्परेचर ज्यादा रखते हो ना, तो आप प्रेशर कितना भी लगा दो, अगर आपने 104 केल्विन भी रखा है तो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब 300 पर तो लिक्विड में चेंज हो ही नहीं सकती,
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा भैया, ये स्टेटमेंट सही है, 300 पर लिक्विड में चेंज नहीं होगी। द गैस कैन बी लिक्विफाइड एट 150 केल्विन, ना 103.7 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, ये गलत हो गया। अगला बोल रहा है द गैस शोज नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर एंड 275 केल्विन। देखिएगा, हाँ तो देखो कि अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर रखा 275 केल्विन, यानी एक तरीके से टेम्परेचर आपने क्या रखा भैया, बॉयल टेम्परेचर से कम रखा। अभी मैंने बताया था कि अगर देखना टेम्परेचर अपने पास बॉयल टेम्परेचर के बराबर है तो ग्राफ ऐसा आता है, जब तक बॉयल टेम्परेचर है प्रेशर की एक लॉन्ग रेंज के लिए जो है वो गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। अगर टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से कम है तो ग्राफ जो है वो ऐसा आता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम बोलते हैं ये कर्व जो है वो क्या होता रहता है, फ्लैट होता रहता है। और बॉयल टेम्परेचर पर अपने पास ऐसा आएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाएगा और गैस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आइडियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बिल्कुल सही है, निम्न दाब अगर प्रेशर कम रखोगे, टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर कम रखोगे तो भैया ये गैस नेगेटिव डेविएशन, ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। ठीक है, द गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन एट एनी टेम्परेचर एट एनी प्रेशर एट 400। टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर ज्यादा है, 350 बॉयल टेम्परेचर, 400 केल्विन आपने टेम्परेचर रखा है तो 350 से ज्यादा रखोगे तो गैस जो है वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, गैस का ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा। ये चीज जो है वो अभी जस्ट मैंने बताई थी कि बॉयल टेम्परेचर ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, बॉयल टेम्परेचर कम है तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। बॉयल टेम्परेचर है तो भैया प्रेशर की एक लॉन्ग रेंज के लिए जो है वो आइडियल बिहेवियर होगा, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसमें जो है वो अपने पास फोर्थ भी करेक्ट है एक तरीके से, ठीक है, फोर्थ करेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया और फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, इनऑर्गेनिक में आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास आता है भैया, ये देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है ये केमिकल काइनेटिक्स का, आपको ये बोल रहा है कि भैया फॉलोइंग इज द ग्राफ बिटवीन ए माइनस एक्स इनवर्स, यानी 1/a-x एंड टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ए इज कन्वर्टिंग इन टू 2b। ये आपको कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दे दी और इसके लिए जो है वो आपको क्या दे दिया भैया, एक तरीके से ग्राफ दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना आपको, ये आपको दे दिया भैया 10 यानी कि 10 थीटा 0.5, यानी एक तरीके से स्लोप की वैल्यू, इसका स्लोप जो है वो आपको दे दिया कितना, 1/2 दे दिया। OA की वैल्यू जो है ये वाली दे दी कितनी, 2। फिर आपको ये दे दिया कि हियर A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड X इज इट्स अमाउंट रिएक्टेड एट एनी टाइम, या आप जो है वो ए माइनस एक्स जो है वो इसको क्या बोल सकते हो, एटी भी बोल सकते हो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जानते हैं के टी इक्वल टू 1/80-1/N0, सेकंड ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ये होती है। तो इसलिए जो है वो आप ध्यान से देखो कि जो ग्राफ बना रखा है ना वो बना रखा है 1/80 तो वाई एक्सिस पर, तो ये आ जाएगा के टी प्लस 1/N0, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी जो इंटरसेप्ट है 1/N0 के बराबर और ये है कितना, ये है 2, यानी यहां से ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास निकल के आ गई कितनी, 1/2। क्लियर है बात। फिर देखो जरा किसका जो स्लोप है, स्लोप स्लोप किसके बराबर है, k के बराबर, और स्लोप है कितना 0.5, यानी स्लोप भी कितना है 1/2, यानी k की वैल्यू भी निकल के आ गई कितनी, 1/2। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि भैया इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो अब आपको पूछा है कि भैया रेट पूछिए आपको, देखो जरा रेट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल रेट पूछिए, तो R इज इक्वल टू इसके लिए क्या बोलूंगा K, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो A की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, तो K की वैल्यू 1/2 दे दी, और इनिशियल रेट, क्योंकि इनिशियल आपको एक तरीके से रेट पूछिए तो आपको जो कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी 1/2 × 1/2, तो ये ओवरऑल अपने पास कितना जाएगा 1/8, और 1/8 का मतलब हो गया 0.125, तो ये अपने पास आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो भैया ये अपने पास अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, ये आपको ये बोल रहा है कि भैया एक मोल अपने पास आइडियल गैस है, इनिशियली मोल 1 है, फाइनल मोल भी 1 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहां पर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि प्रक्रम समतापी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, 10 लीटर है फिर 20 लीटर, यानी प्रोसेस हो गया एक तरीके से आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ये अपने पास प्रोसेस हो गया। अब आपको ये बोल रहा है कि एंट्रोपी चेंज बाय मैग्नीट्यूड इन बोथ द केसेस फॉर गैस रिमेन्स सेम एंड इज इट इक्वल टू 5.76 जूल पर केल्विन, चेक करते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है NCV ln T2/T1 + NR ln V2/V1, ये हम किसी भी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालते हैं।
आइसोथर्मल है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एस अपने पास आएगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो भैया इसको 2.303 में कन्वर्ट कर सकता हूं, लॉग 10 बेस पर कैलकुलेट करना है। मोल है एक, आर की वैल्यू ले लेता हूं 25 बाई 3 और ये हो जाएगा लॉग 20 बाई 10, ये कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5.76 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज तो इतना आएगा। अब आपको बोल रहा है कि दोनों ही प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जो है वो इतना आएगा, तो ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया एंट्रोपी जो होता है ना वो क्या होता है, वो एक स्टेट फंक्शन होता है, वो पाथ फंक्शन नहीं होता। तो चाहे आप रिवर्सिबली चले जाओ चाहे इरिवर्सिबली चले जाओ, वो जो है वो पाथ पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो एंट्रोपी चेंज दोनों में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा आपको बोल रहा है एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग फॉर प्रोसेस फर्स्ट इज माइनस 5.76 जूल पर केल्विन व्हाइल इन सेकेंड इन प्रोसेस सेकेंड इज जीरो। भैया देखो कि आपको बोल रहा है कि जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो माइनस 0.76 हो जाएगी, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज तो इतनी आई है। अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस में देखूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपने पास इरिवर्सिबल सिस्टम होता है, इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए हम एक लाइन बोलते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो अपने पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 5.76, ये तो सही बात है। लेकिन अभी मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, तो अगर इसमें जो है वो माइनस 5.76 आ रहा तो सेकंड में जीरो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगला आपको बोल रहा है एंट्रोपी चेंज इन बोथ द प्रोसेस फॉर यूनिवर्स इज मोर देन वन। भैया ये तो मोर देन जीरो, ये चीज गलत है। देखो यूनिवर्स के लिए जो है पहली प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, टोटल जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो है फर्स्ट प्रोसेस में। और जो हम बोलते हैं सेकंड लॉ कहता है कि भैया नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं, और सेकंड लॉ में ही हम एक स्टेटमेंट और बोलते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, तो वहां पर जो है वो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है, तो इसलिए ये वाला भी क्या है, गलत है। वर्क डन इन प्रोसेस फर्स्ट इज माइनस 17-18 जूल व्हाइल इन प्रोसेस सेकंड इज प्लस। भैया माइनस प्लस का फर्क बता रहा है, लेकिन ये चीज गलत है, मैग्नीट्यूडली भी ये चीज जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, दोनों में जो है वर्क डन सेम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बोल रहा है, देखो माइनस आ रहा है यहां पर पॉजिटिव आ रहा है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हम निकालते हैं वर्क डन माइनस 2.303 एन आर टी लॉग और ये आ जाता है वी टू बाई वी वन, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम निकालते हैं माइनस पी एक्सटर्नल और ये आ जाता है वी टू बाई वी वन। तो आप कैसे भी चेक कर लो, दोनों चीजें कभी भी मैग्नीट्यूडली बराबर नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया, केवल इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला जो है वो फिजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भैया अपने पास ये है, ठीक है। तो भैया इसमें देखना जरा आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको ये बोल रहा है कैलकुलेट एसिड डिसोशन कॉन्स्टेंट 4.1 मोलर HCOOH इफ इट्स सॉल्यूशन शोज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम व्हेन फिल्ड इन ए सेल हैविंग सेपरेशन बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड 4 सेंटीमीटर, दोनों इलेक्ट्रोड को 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 10 सेंटीमीटर, एरिया जो है वो अपने पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर डूबा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो पूछा है ना HCOOH के लिए Ka की वैल्यू पूछी है, ये अगर टूटेगा तो ये टूटेगा भैया HCOO माइनस और साथ में H प्लस, ठीक है। इनिशियली कंसेंट्रेशन C 0 0, फिर ये हो गया जी C माइनस C अल्फा, ये हो गया C अल्फा और ये कितना हो गया C अल्फा हो गया। तो अब इसके लिए Ka लिखता हूँ, तो Ka आएगा भैया H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू HCOO माइनस की कंसेंट्रेशन अपॉन HCOOH की कंसेंट्रेशन, ये अपन Ka लिखेंगे इसके लिए। तो बस Ka इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा H प्लस हो गया C अल्फा, ये भी हो गया C अल्फा, ये C कॉमन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो ये कैंसिल हुआ। तो Ka का जो एक्सप्रेशन आया ना वो अपने पास आया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये अपने पास जो इसके लिए Ka आया। C की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1, अगर मैं कैसे भी करके अल्फा निकाल लूंगा तो भैया अपने पास Ka की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जी अल्फा कैसे निकालूं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया अल्फा की वैल्यू जो है ना वो अपने पास होती है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, अल्फा होता है। यानी कि अनंत अणुता पर मोलर चालकता और सी सांद्रता पर मोलर चालकता का जो अनुपात है वही अल्फा होता है। पहले मैं लैम्डा एम सी निकाल लेता हूं, तो ये निकालने के लिए कप्पा इंटू 1000 बाई एम। अब भैया ये निकालने के लिए एम की वैल्यू तो 0.1 है, तो पहले कप्पा निकालना पड़ेगा, तो कप्पा इज इक्वल टू होता है 1 बाई आर एल बाई ए, ठीक है।
तो भैया देखो आर की वैल्यू दे दी कितनी 50, तो 1/R 1/50। एल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है भैया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एरिया 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4/500। ये तो आ गया कप्पा। अब मेरे को जो है वो क्या करना है, लैम्डा एम सी निकालना है, तो कप्पा की वैल्यू 4/500 इंटू ऊपर 1000 और मोलरिटी जो है वो आपको दे रखी है कितनी 0.1, ये जाएगा 2 times, तो ये मेरे पास आ गया 80। यानी लैम्डा एम सी की वैल्यू निकल के आ गई जी कितनी 80। अब मुझे जो है वो लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है वो मैं निकालूंगा भैया कोलराउस लॉ से। ठीक है, अब कोलराउस लॉ से निकालूंगा तो आप देखो आपको क्या बनाना है, आप जो है वो एच सी ओ ओ एच बनाना चाहते हो, तो आपको जो है ये तो दे रखा है कैल्शियम फॉर्मेट, तो एक तो ये वाला, एक जो है वो इसको आपको, क्योंकि यहां पर देखना एक चीज कि यहां से आपको दो फॉर्मेट आयन मिलेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट से दो फॉर्मेट आयन मिलेंगे, तो मुझे जो है वो कैल्शियम फॉर्मेट बनाने के लिए 2H+ की जरूरत है, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको जो है वो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 850। इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये भैया मेरे पास निकल के आएगा कितना 1080। ठीक, अब देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पर 2Cl- और Ca+2 एक्स्ट्रा आएगा, तो अब मुझे इस CaCl2 को क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 280 इसमें से माइनस कर दो, मेरे पास ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 800। अब मैंने अभी आपको कहा था यहां से दो फॉर्मेट आयन मिलेंगे, यहां से दो मैंने H+ लिए है, तो यानी कि ये जो 800 आया है ना, ये दो फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मोलर आया है, दो के लिए कितना आया 800, तो एक के लिए कितना आएगा 400। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर फॉर्मिक एसिड ये कितना निकल के आएगा, ये 400 निकल के आएगा। तो अब मुझे अल्फा निकालना था, तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास निकल के आ गया भैया लैम्डा एम सी तो 80 था और ये कितना आ गया, ये आ गया 400, ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आएगा भैया कितनी बार 2/10, ये मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी कि एक तरीके से 0.2 अल्फा की वैल्यू आई कितनी 0.2। मुझे अल्फा नहीं पूछा है, मुझे तो के ए पूछा है, तो भैया जी के ए निकालने के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया था, के ए का एक्सप्रेशन क्या होता है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, सी की वैल्यू 0.1, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू दे दी कितनी 0.2 और 1 - अल्फा निकालना है तो 1 - अल्फा कितना हो जाएगा 0.8, ये जाएगा 4। ठीक है, ये जो है वो अपने पास कितना आ गया भैया 2, तो ये अपने पास आ गया कितना 1/200। अब आपको ये बोला है कि अपना आंसर जो है वो 10^3 से गुणा करने के पश्चात दीजिए, तो 1/200 × 1000 मैं अगर कर देता हूँ तो मेरे पास जो कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा, इसका के ए जो है वो 10^3 से गुणा करने के बाद आंसर 5 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना, उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आपको ये बोल रहा है 2 Ia+ और Ib- Ra+ ये आपको रेडियस दे दी 88 और Rb- ये आपको रेडियस दे दी कितनी 200। ठीक है, तो अब आपको ये बोल रहा है कि यौगिक AB के निबिड संकुलित क्रिस्टल में A+ की समग्र संख्या ज्ञात कीजिए, R+ / R- में कर देता हूँ, रेडियस रेशियो में निकाल लेता हूँ भैया, रेडियस रेशियो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.44 और 0.44 अगर आ रहा है तो इसका मतलब इसमें जो है ना वो कौन सी वर्ड है, इसमें जो है वो अष्टफलकीय रिक्तिका है, अष्टफलकीय रिक्तिका, क्योंकि अष्टफल की रिक्तिका के लिए हम बोलते हैं कि R+ / R- ये वाली चीज जो है वो या तो जो है क्या होनी चाहिए 4:1:4 से, मतलब जो रेडियस रेशियो है वो अपने पास R+ / R- ये 0.414 से क्या होना चाहिए बड़ा या बराबर होना चाहिए, या फिर 0.732 से छोटा होना चाहिए, इस रेंज में अगर आता है तो अष्टफल की रिक्तिका होती है, और अष्टफल की रिक्तिका की समन्वय संख्या कितनी होती है 6। हमें पता है कि किसी भी क्रिस्टल में जो एनायन है वो नॉर्मली जालक का निर्माण करता है और केटायन जो है वो रिक्तिका में रहता है, इसका मतलब अपना केटायन जो है वो कौन सी रिक्तिका में, अष्टफल की रिक्तिका में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा जी, ये आएगा 6। तो ये अपने पास है भैया, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है भैया, ये अपने पास जो है वो किसका है, ओके ये कंप्लीट हो गया अपने पास, तो उम्मीद करते हैं आपको फिजिकल से रिलेटेड अब किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, बाकी के पार्ट जो है वो आपको अलग अलग टीचर्स जो है वो डिस्कस करवाएंगे। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों पेपर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, ऑर्गेनिक सवाल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल नंबर 6 दे रखा है अपने को, देखिएगा ये अपने को क्या दे रखी है, 2-butyne दे रखे हैं और 2-butyne से अपने को क्या बनाकर दे रखा है, देखिए रिएक्सेमिक मिक्सचर बनाकर दे रखा है। ठीक है, तो अगर अपन सोडियम और लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया किसका काम करती है दोस्तों,
ये एल्काइन को यानी कि 2-ब्यूटाइन को ट्रांस 2-ब्यूटीन में कन्वर्ट कर देगी, और ट्रांस 2-ब्यूटीन Br2 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके ट्रांस एल्कीन ट्रांस एडिशन दैट इज मीजो कंपाउंड। इसका मतलब ये मीजो नहीं है दोस्तों, इससे नहीं बना सकते। दूसरे ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ये अपने को क्या दे रखा है, लिल्ला रिजेंट दे रखा है, और देखिएगा नजारा क्या पेश हुआ है, 2-ब्यूटाइन दे रखा है, और लिल्लार केटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या बन जाता है अपने पास, सिस 2-ब्यूटीन बन जाएगी, सिस एडिशन का काम करता है ये, ठीक है। और फिर अपने को क्या दे रखा है, HBr। अब आपको पता है दोस्तों HBr कैसी रिएक्शन करेगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, और 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, H2PD की प्रेजेंस में अगर अपन रिडक्शन करवा देंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऐसे ही कहानी खत्म हो जाएगी। फिर अगर अपन बात करें तो लास्ट क्या दे रखा है अपने को, फर्स्ट लिल्लार रिजेंट दे रखा है, जैसे ही आपने 2-ब्यूटाइन पे लिल्लार रिजेंट डाला किसका फॉर्मेशन हो गया, 2-ब्यूटीन का, और वो भी कैसा, सिन एडिशन होता है ये, सिन एडिशन, आंशिक बनाया आपने, आंशिक रिडक्शन करता है ये, पार्शियली रिडक्शन का काम करता है। फिर क्या दे रखा है, Br2 क्लोरोफॉर्म दे रखा है। अब इसकी रिएक्शन अपने किसके साथ करवाएंगे दोस्तों, Br2 और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये अपने को सिस दे रखी है, और ये कैसा एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन होगा। तो देखिएगा सिस एल्कीन ट्रांस एडिशन दैट इज रेसेमिक मिक्सचर, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों, रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 और इधर भी CH3, Br और H और H क्या बन जाएगा दोस्तों, ये और इसकी एक मिरर इमेज यानी कि D और L दोनों बनेंगे, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नंबर कौन सा हुआ, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें दोस्तों तो अपने को क्या दे रखा है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल अपने को दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल 6 के बाद में, सेक्शन नंबर कौन सा आ गया, B। सवाल नंबर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक स्पीसीज हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक का है, फिजिकल का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेहद ही प्यारा सा सवाल। देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है, पूछा क्या गया है दोस्तों, SN1 रिएक्शन की कहानी पूछी गई है, ठीक है, कि कौन सा जो अपने को ऑर्डर दे रखा है वो सही है या फिर इनकरेक्ट है, इसकी इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दोस्तों ये और ये इन दोनों में से कार्बोकैटायन बनाइए, लुप्त उठाइए, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन हालांकि 2° बना है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण लेस स्टेबल बनेगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बिल्कुल पास पास में आएंगे, स्ट्रेन ज्यादा है, स्ट्रेन ज्यादा है, ये एरोमेटिक नहीं बन रही है दोस्तों, और इससे क्या होगा, H माइग्रेट करने के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा होगी दोस्तों, ना कि इसकी ज्यादा। इन दोनों में से बात करें तो दोस्तों ये SN1 SN2 दोनों ही देना पसंद नहीं करते, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी बट नहीं दी गई है। इन दोनों में से अगर अपन बात करें तो कार्बोकैटायन बनाइए, SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन बनाओगे तो दोस्तों ये क्या आ गया अपने पास, प्लस एम, और प्लस एम क्या करता है, प्लस एम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस एच दे रखा है, प्लस एम मोर इफेक्टिव होगा हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट में से, मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये सही दे रखा है दोस्तों थर्ड। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सेम ये दे रखा है, और ये कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, अब आपको पता है प्लस एम से मोर इफेक्टिव होता है कौन सा, भला माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, फिर भी ये बैक बॉन्डिंग करवाने का प्रयास करोगे तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम, और प्लस एम वाला क्या है दोस्तों, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही दे रखा है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर अपने को कौन सा दे रखा है दोस्तों, सवाल दे रखा है अपने पास नेक्स्ट सवाल नंबर 8 नंबर सवाल, देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है दोस्तों, देखो क्या कर रहा है ये सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, क्या कहा गया है, ग्वाइनिन इज प्यूरीन नाइट्रोजन बेस, जी हाँ ग्वाइनिन कैसी होती हैं, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस होती हैं, ये सही है। फिर क्या दे दिया, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन आर एकाइरल एमिनो एसिड, ये
थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन जो होती हैं वो तो इनएक्टिव होती हैं, यानी कि इनएक्टिव होती हैं, एक्टिव नहीं होती, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। बट प्रोलीन की बात करें तो ये अमीनो एसिड कैसा होता है, एक अपने आप में पूर्ण अमीनो एसिड होता है, उसमें वो वाला ग्रुप नहीं होता। कौन सा वाला? ये, यानी कि आर एन एस टू अमीनो एसिड, यही होते हैं ना। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो H और COOH ये नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली क्या होती हैं दोस्तों, फाइव मेंबर रिंग होती हैं। कौन सी? फाइव मेंबर रिंग। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? COOH। इसका मतलब ये भी काइरल है और ये भी क्या है दोस्तों? काइरल है। इसका मतलब ये तो प्रोलीन है, अपने आप में एक कंप्लीट अमीनो एसिड है ये। ये तो कैसा है? कंप्लीट। इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। फिर अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है? डीएनए कंटेन ग्लाइकोसिडिक बोन एंड पेंटोस शुगर। जी हाँ, डीएनए में क्या पाया जाता है दोस्तों? ग्लाइकोसिडिक बोन पाया जाता है, जी हाँ, पेंटोस शुगर में। ठीक है, डीएनए आपको पता है जिसको क्या बोला जाता है? पोली न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, पोली न्यूक्लियोटाइड, यही तो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में भी यही होता है और डीएनए आरएनए में भी यही होता है, पोली न्यूक्लियोटाइड। अब पोली न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो दोस्तों क्या बनती है? एक तो पेंटोस शुगर बनती है, एक नाइट्रोजनी बेस बनती है और एक क्या बनती है? फॉस्फोरिक एसिड बनती है, S3PO4। तो इसका मतलब ये क्या है? सही है, ये अपना फर्स्ट सही था। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जी हाँ, सुक्रोज यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रैक्टोज बनता है दोस्तों। तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रैक्टोज का कार्बन नंबर 2 आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग, रिड्यूस करने वाला, टोलेनिज एंड फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने वाला ग्रुप क्या है? ग्लाइकोसिडिक में पार्टिसिपेट कर लेता है, इसलिए फ्री नहीं होता। ना तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता, ना ही कीटोनिक ग्रुप फ्री होता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 1, 3, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं। अगर अपन बात करें तो इतने ही सवाल थे दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय सीएलसी, ऑल द बेस्ट, गुड लक।